मेरठ में बदमाशों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। पुलिस इन बदमाशों के आगे बेबस नजर आ रही है। जहां सुबह एक व्यक्ति की घर में घुसकर हत्या कर दी गई, वहीं बदमाशों ने दिन दहाड़े पंजाब नेशनल बैंक को अपना निशाना बना लिया। मेरठ के थाना टीपी नगर क्षेत्र के मोहकमपुर स्थित पंजाब नेशनल बैंक की ब्रांच में चार नकाबपोश बदमाशों ने कैश लूटने का प्रयास किया। जब वह रुपया नहीं ले जा पाए तो बैंक में तैनात सिक्योरिटी गार्ड गनमैन रोहित की राइफल लूटकर फरार हो गए। ये पूरी घटना बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये बदमाश बेकॉफ होकर बैंक में दाखिल होते हैं और लूट का प्रयास करते हैं, जहां पुलिस फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। पंजाब नेशनल बैंक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ब्रांच है हमारी। क्या घटनाक्रम हुआ यहाँ पे, कुछ पता चला? मैं जब ये घटनाक्रम हुआ उस वक्त था नहीं ब्रांच में। मुझे जैसे ही खबर हुई मैं तुरंत आया हूँ, लौट के आया हूँ, और जहाँ तक मुझे पता चला है कि 12:50 के आसपास चार लोग आए थे और उन लोगों ने हमारे गार्ड से गन भी छीन ली है और एक दो बैग जो उधर पड़ा हुआ था साइड में वो भी ले लिया है। कितने लोग थे? चार लोग थे सर। बैंक में लूट की घटनाएं सामने एक आ रही है, क्या पूरा मामला? ये अभी थोड़ी देर पहले की बात है। ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के पीएनबी में चार नकाबपोश लोग गए और उन्होंने बैंक लूट का अटेम्प्ट किया। पुलिस की सक्रियता से और जो बराबर हम लोग बैंकों की चेकिंग कर रहे थे, उनके अलार्म बजवा रहे थे और कैमरे ठीक करवा रहे थे, उसके परिणाम स्वरूप बैंक मैनेजर ने तुरंत बैंक का अलार्म बजाया और पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद चार व्यक्ति हड़बड़ाहट में वहां से कुछ लूट नहीं कर पाए और गेट पर जो गार्ड खड़ा था उसकी 12 बोर की बंदूक लेकर भागे हैं। तत्काल पुलिस टीम वहीं से इनका पीछा कर रही है। अभी हम लोग यहाँ मौके पर हैं। दो बाइक उनकी मिली है, दो बाइक छोड़ के वो अंदर गलियों की तरफ भागे हैं। कॉम्बिंग चल रही है।